पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश एक अच्छा वक्ता, कवि और कुशल राजनेता के रूप में हमेशा याद रखेगा। उनकी कविताएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगी। आप सबने उनकी कविताओं को पढ़ा होगा, सुना होगा। जीवन के मुश्किल पलों में उनकी कविताओं ने आपको प्रेरणा दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अटल जी ने एक रेस्टोरेंट में बैठकर कई कविताओं की रचना की, वो भी इटालियन पिज्जा खाते हुए। हमेशा धोती कुर्ते में नजर आने वाले और सामान्य जीवन शैली जीने वाले अटल जी जहां देश के विकास को लेकर चिंतित रहते थे, वहीं इटालियन पिज्जा मार्गरेटा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पसंद था और वो मनाली के एल फोरेनो रेस्टोरेंट में सुकून के पलों को बिताते थे। उनका मनाली के लिए एक गहरा लगाव था, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद मनाली के प्रीणी गांव में अपना दूसरा घर बनाया। अटल जी अपने मनाली दौरे के दौरान जब भी इस रेस्टोरेंट में आते तो हर बार एक ही टेबल पर बैठते और इटालियन पिज्जा मार्गरेटा का ऑर्डर करते। खास बात यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो यहाँ आते थे और अपनी मनपसंद टेबल पर बैठकर कविताओं की रचना किया करते थे और घंटों बर्फ से ढकी वादियों को निहारा करते थे। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भी इस रेस्टोरेंट में आते तो वो इटालियन डिश का स्वाद लेना नहीं भूलते थे। वहीं वो लोकल एप्पल जूस के भी मुरीद थे और हर बार जूस पीना उनकी आदत में शुमार था। जब भी वो मनाली आते थे तो अक्सर हमारे इस कैफ़े में वो ज़रूर आते थे। उन्हें यहाँ का खाना काफ़ी पसंद था। यहाँ के पिज़्ज़ा सैलेड्स उनके फेवरेट रहे हैं। 2-3 घंटे वो यहाँ पे बिता लेते थे और उन्हें यहाँ पे आके बैठना, उन्हें यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का जो माउंटेन व्यू है बहुत पसंद था। मार्गरेटा बहुत पसंद था, उसके साथ उन्हें यहाँ का एप्पल जूस काफ़ी पसंद था। वो बहुत ही मिलनसार किस्म के इंसान थे। क्या मनाली में वो हमारी ही रेस्टोरेंट में आया करते थे क्योंकि उन्हें यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो शांति है, जो यहाँ का व्यू है, बहुत पसंद था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका इस जगह से लगाव बना रहा और उनकी तबीयत खराब हुई तो भी वो इसी रेस्टोरेंट से उनके घर के लिए व्यंजनों को पैक कर भेजा जाता था। रेस्टोरेंट में जब अटल जी के निधन की खबर पहुंची तो स्टाफ सहित पूरा रेस्टोरेंट गमगीन हो गया और शोक के कारण 2 दिन तक रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला किया। अटल जी, आप हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे। आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी।